मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैचिंग मैचिंग हेडिंग्स प्रैक्टिस, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अपना आंसर मैच करने में कि ये आंसर ए पैराग्राफ का है या फिर बी पैराग्राफ का है या फिर सी। बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको सिखाऊंगा और 100% आपकी इम्प्रूवमेंट भी। रीसेंट एग्जाम होकर गया है, 100% केम फ्रॉम अवर पीडीएफ। हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विद प्रूफ, और रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो 13-14 मिनट्स की है, बट डेफिनेटली आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बट किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इनको परचेज कर सकते हो। बट परचेज करने का बेनिफिट तभी है अगर हमने उसके ऊपर रहकर काम करना है, उसके ऊपर रहकर हार्डवर्क करना है, और रिजल्ट भी आपका सेम वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। बट उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट ऐसा आता है जो उन पीडीएफ के ऊपर हार्डवर्क करता है, क्योंकि वो सब रियल एग्ज़ाम की होती है, और रियल एग्ज़ाम की अगर हमारे हाथ कहते हैं ना कि पीडीएफ लग जाए तो गोल्डन चांस बन जाता है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने का। 100% रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे इससे पहले वाला एग्ज़ाम हो, 100% हमें देखने को मिला। बट इस रीडिंग को क्लास को देखने के बाद डेफिनेटली आप इस एक्सपेरिमेंट को डेफिनेटली यूज़ करना अपनी क्लास में या फिर अपने घर पे आकर, मॉर्निंग में करो चाहे इवनिंग में करो, बट यू हैव टू डू 100% बैंड स्कोर लेने के लिए। उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 28 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम भी हमें हमारी पीडीएफ में से देखने को मिला था, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग 100% सेम गई थी। सो आई होप इन द फ्यूचर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी हमें हमारे रियल एग्ज़ाम पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। सो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर डेली ऐसी वीडियोज़ और प्लस क्लासेस चाहिए तो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि अब मेरे पास ए बी सी डी पैराग्राफ हैं, अब ए पैराग्राफ में ए आंसर आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा या फिर फोर्थ आंसर आएगा। इसी बात के ऊपर वो 100% कन्फ्यूज हो जाता है। जब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑब्वियसली बात है कि हमारा आंसर है जो वो रॉन्ग चला जाता है। अब मुझे फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है, और इसका एक फंडा है, आप एक चीज देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा पैराग्राफ है, मेरा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ है जो एंड हो रहा है। अब फर्स्टली जब भी आपको ऐसा पैराग्राफ देखने को मिले, आपने पैराफ्रेजिंग आपने एक वर्ड सुना है, ट्राई करना है उस चीज को अंडरस्टैंड करने का, बिकॉज ऑफ जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है और जो इसका एबीसी पैराग्राफ होता है ये टोटली डिपेंड करता है पैराफ्रेजिंग के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर एंड ग्रामर के ऊपर। ये तीन चीजें अगर आपने अपने माइंड में सेटअप कर ली तो 100% आप चाहे कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, चाहे लो क्लास से कर रहे हो चाहे हाई क्लास से कर रहे हो, आपके 9 बैंड स्कोर 100% है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेन कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर मेरा जो मेन कीवर्ड है, अब मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है, मेरा मेन कीवर्ड हमें फाइंड करना है ग्रीन हाउस। अब मेरा ग्रीन हाउस एक मेन कीवर्ड है, अब ग्रीन हाउस के ऊपर ही सारी जो रीडिंग है टोटली डिपेंड करती है, ये कितना हीट करता है, कितना कूल रहता है, कितना वार्म एट नाइट, कितना नाइट को गर्म होता है, प्लस इसकी रूफ, इसकी दीवारें हैं जो इसकी छत है वो किस टाइप से बनी हुई है, और ये विंटर सीजन में कैसे अफेक्ट करता है, सनलाइट शाइन्स जब करती हैं तो प्लांट्स के ऊपर एयर इनसाइड कैसे प्रोवाइड होती है। तो मेन हमें कीवर्ड अपनी पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर लेने हैं। अब हमें अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं, अब पैराग्राफ देखते हैं कि पैराग्राफ में उसने हमसे पूछा क्या है, उसने क्या कहा कि ए ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड इंटरनली ऑफ ग्लास, कि जो ग्रीन हाउस है ये एक ग्लास का बना होता है, बोथ वॉल्स एंड रूफ आर ग्लास, इसकी दीवारें भी और इसकी छत भी एक ग्लास से बनी होती है, वन ऑफ द मेन पर्पस। इसका मेन पर्पस क्या है, ग्रीन हाउसेस ग्रो टमाटोज, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स दैट माइट स्ट्रगल टू ग्रो आउटसाइड, मतलब कि इसका मेन मकसद है टमाटोज, फ्लावर या अदर प्लांट जो स्ट्रगल करते हैं ग्रो होने में आउटसाइड, उनको जल्दी ग्रो करना, मतलब ग्लास का बना हुआ है
इनसाइड ये सब कुछ होता है, ग्रीन हाउस स्टे वार्म इनसाइड, कि वार्म इनसाइड वो रहता है इवन ड्यूरिंग विंटर, विंटर सीजन में भी। सनलाइट शाइन्स इन ए इन एंड वार्म्स द प्लांट्स एंड एयर इनसाइड, मतलब कि उस सनलाइट जब पड़ती है ग्लास के ऊपर तो वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, एंड प्लांट्स आर इनसाइड, बट द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास एंड कैन नॉट एस्केप, कि जो हीट है वो जब ग्लास के ऊपर पड़ती है तो वो ग्लास से बाहर नहीं जा पाती। सो ड्यूरिंग द डे लाइट, सो ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स एट गेट वार्मर एंड वार्मर इनसाइड ग्रीन हाउस एंड स्टे क्वाइट वार्म एट नाइट, कि वो नाइट को भी गर्म रहता है और दिन में तो वो गर्म रहना ही है। अब इसमें टोटल बात क्या करेगी, उसने बात करी है ग्रीन हाउस के बारे में, कि ग्रीन हाउस एक्चुअल में है कैसा, किस टाइप से बनाया जाता है, और इसके कीवर्ड मेन हमें पता चल चुके हैं। मेन कीवर्ड इसका क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको फिर भी अंडरलाइन कर देता हूँ आपके अच्छे समझाने के लिए, कि ग्लास का बना होता है, इसके इसके बेनिफिट्स क्या है, ये गर्म रहता है नाइट को रहता है, चाहे विंटर सीजन हो चाहे कुछ भी हो, तो ये अच्छे से प्लांट्स को जो इनसाइड लगे होते हैं, टमाटोज फ्लावर या फिर अदर, उनको स्ट्रगल जो करते हैं आउट ग्रो होने में तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। सो अब हम इसका मैच करते हैं कि इसमें कौन सा ऐड होगा। तो एक चीज यहाँ पर नोट डाउन आप करके देखिए पेंसिल के साथ, कि यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करी, रिसीविंग द डैमेज, डैमेज की कहीं पर बात नहीं करी, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो टेम्परेचर वगैरह है उसकी बात कहीं भी नहीं करी, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस की बात जरूर करी है बट गैसेस की बात नहीं करी, तो मतलब मेरा ये भी नहीं आएगा। आवर चॉइसेस, हमारी क्या क्या चॉइसेस हैं, ठीक है इसकी बात जरूर करी है कि चॉइसेस क्या हैं, कि हम क्या कुछ लगाते हैं, बट चॉइसेस की बात करी है बट अवर हमें क्या कुछ ग्रो करना है क्या कुछ लगाना है उसकी कोई बात नहीं करी। यूज ऑफ ग्रीन हाउस, यू कैसे ग्रीन हाउस को यूज करना है, ग्रीन हाउस की बात करी है बट कहीं पर भी यूज की बात नहीं करी, सो हमारा ये भी आंसर नहीं आएगा। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्रिएट होती है इसकी बात तो कहीं पर भी नहीं करी। रह चुके हैं हमारे पास दो, टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर की बात भी कहीं नहीं करी, बात किसकी करी है, द ग्रीन हाउस, बात करी है ग्रीन हाउस की, तो हमारा आंसर सीधा सा है कि हमारा आंसर है जो है वो है ग्रीन हाउस। अब टोटली मैं रेज कर देता हूं और हमारा जो मेन आंसर है वो कौन सा है, ग्रीन हाउस। सो अब मुझे ग्रीन हाउस हाउस आंसर कैसे मिला, आप ये देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इनके साथ मैच किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको साथ लगाकर मैंने इस चीज को मैच किया, इफेक्ट को लेकर, अर्थ को लेकर, ग्रीन गैसेस को लेकर, इनकी जब बात ही नहीं करी तो मैं कैसे इस चीज को एग्री कर लूं कि ये 9 आएगा जी, 8 आएगा या 5th आएगा, बात ही वो कर रहा है द ग्रीन हाउस की। अगर वो ग्रीन हाउस की बात कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा जो आंसर होगा वो ग्रीन हाउस होगा, सेकंड नंबर होगा, क्योंकि ना तो उसने टेम्परेचर की बात करी है, ना चॉइसेस की बात करी है, ना यूज ऑफ ग्रीन हाउस की बात करी है। सो इस वे के साथ आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके के साथ। क्या फाइंड करना है, पैराफ्रेजिंग, सेकंड इज ग्रामर, थर्ड इज वोकैबुलरी एंड सिनोनियम, फोर्थ इज कीवर्ड। अगर आप ये चार टिप्स सीख लेते हो तो 100% मैचिंग हेडिंग आपकी कभी भी गलत नहीं जाएंगी। अब बात चलते हैं हम सेकंड नंबर पे, अब सेकंड नंबर वाला क्या हमें रिप्रेजेंट करता है। अब हम अपना सेकंड नंबर को रीड करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, द अर्थ एक्सपीरियंस इज सिमिलर थिंग दैट द ग्रीन हाउस, की जो अर्थ का एक्सपीरियंस है वो सिमिलर थिंग है एक ग्रीन हाउस को लेकर, गैसेज इन द एटमॉस्फेयर सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेज हैं जो हमारी धरती के ऊपर पड़ती हैं, सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ग्रीन हाउस डज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारा रूफ है ग्रीन हाउस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब सन शाइन्स करता है हमारी धरती के ऊपर आले दुआले जो गोला बना हुआ है इसके ऊपर, द अर्थ सरफेस वार्म अप, जो हमारी धरती है, ध्यान से पढ़िए इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, अर्थ वार्म अप द सनलाइट, की सनलाइट की वजह से जो धरती है जो उसका टेम्परेचर है वो काफी गर्म हो जाता है, हाई हो जाता है, एट नाइट अर्थ सरफेस कूल, की जब नाइट होती है तो वो थोड़ा सा कूल हमें देखने को मिलता है, जैसे हम कहते ना कि थोड़ा सा मौसम कूल हो चुका है एट द नाइट,
रिलाइजिंग द हीट बैक इन टू द एयर, कि जो हीट है वो बैक इन टू किस में चली जाती है, एयर में चली जाती है। बट यहाँ पर उसने कीवर्ड दिया है बट, अभी मैं आपको इस कीवर्ड को डेफिनेटली याद रखना बट क्यों लगाया गया है। सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर, की कुछ गैसेज होती हैं वो ट्रैप्ड करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज को उस गोले के अंदर, उस धरती के अंदर। दैट इज वट कीप्स अवर अर्थ वार्म, की जो हमारी धरती को काफी गर्म रखता है। वार्म एंड कंफर्टेबल 59 डिग्री, की 59 डिग्री के उसके ऊपर जो एवरेज वो पहुंच जाता है, मतलब 59 डिग्री बहुत ज्यादा होता है जो पहुंच जाता है। दुबई का भी इतना भी नहीं होता यार, दुबई का भी इससे कम होता है, इतना वो पहुंच जाता है। अब मैं अपने आंसर मैच करता हूं, मैं इसको रेज कर रहा हूं, अब मैं अपने आंसर मैच करता हूं। यहां पर जो बात करी है पहले उसके बारे में बताता हूं। यहां पर बात कर रहा है वो एक ग्रीन हाउसेस की बात कर रहा है कि ग्रीन हाउस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, गैसेस जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है रूफ और ग्रीन हाउस के ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं, ड्यूरिंग द डे इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है जो अर्थ के आसपास में होता है, जो इसका सरफेस है वो नाइट में कूल हो जाता है, दिन में वो काफी ज्यादा वार्म रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक बट दिया हुआ है, इस बट की वजह से कंफ्यूज है कि अब इसका आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर एक चीज देखिए, इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की उसने बात करी बट किसके ऊपर करी है बात, इसका कोई उसने क्लियर नहीं करा। ग्रीन हाउसेस के ऊपर करी है, अर्थ के ऊपर करी है, या फिर ग्रीन हाउस जो बनाया हुआ है उसने गोला उसके ऊपर करी है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं आएगा। डैमेज की उसने कई बार बात नहीं करी। अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब कि धरती का जो गोला है उसकी उसके साथ उसका सिस्टम क्या है, मतलब वो क्या चीज क्रिएट हो रही है, इसकी कहीं पर बात नहीं करी गई। ग्रीन हाउस गैसेस की बात, ग्रीन हाउस की बात अलग करी गई है, गैसेस की बात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कही गई है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि ग्रीन हाउस के ऊपर जो गैसेस पड़ती हैं या ग्रीन हाउस के लिए गैसेस जो यूज होती है उसका क्या इफेक्ट है, इसकी भी कहीं पर बात नहीं करी। अवर चॉइसेस की बात भी नहीं करी गई, यूज ऑफ ग्रीन हाउस, यूज ग्रीन हाउस को कैसे यूज करते हैं इसकी बात भी नहीं करी गई। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसको जरूर फील होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, बट ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है बट क्रिएटिंग की कहीं पर बात नहीं करी गई, जो क्रिएट किया जाता है खुद की तरफ से। ये सेकंड आंसर हमारा हो चुका है। बट टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर की वो बात कर रहा है 59% की अर्थ के ऊपर पड़ा। एक चीज आप एनालाइज करके देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे आंसर 2 आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, सेकंड इज ग्रीन गैसेस, थर्ड इज क्या हो सकता है एटमॉस्फेयर, अर्थ धरती के ऊपर। अब मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप एक कीवर्ड को याद रखना, कीवर्ड कौन सा था वो बट। बट से पहले मुझे भी जो अपना आंसर था वो क्या लग रहा था, ग्रीन हाउसेस गैसेस। जब उसने, मैं पैराग्राफ को रीड कर रहा था यहां से लेकर, मतलब कि जब ग्रीन हाउस गैसेस को रीड कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ड्यूरिंग द डे शाइन को लेकर, मुझे भी ऐसा लगा था कि चलो आंसर इसका जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा 5th नंबर। बट जब उसने एक कीवर्ड दिया, जब उसने एक कीवर्ड को ऐड करा, कीवर्ड कौन सा है, कीवर्ड है बट। यहां पर जब उसने ऐड करा, यहां से लेकर, यहां से शुरू होकर यहां पर इसका एंड होता है, उसने टोटली आंसर को चेंज कर दिया, टोटली आंसर को बदल दिया। तो सेम आपके साथ होता है जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग कर रहे होते हो, और जब आप भी चाहते हो कि अच्छा मेरा आंसर तो मुझे मिल चुका है, बट जब वहां पर एक ऐसा कीवर्ड अंडरलाइन हो जाता है, ड्यू टू, बट, रीजन, बिकॉज ऑफ, मोर ओवर, हाउ एवर, ऐसे टाइप का जब वहां पर एक आकर बैठ जाता है तो बिंदु, देन हमारा जो आंसर है वो टोटली चेंज होता है। और यही एक वजह थी कि बट आया, बट ने आकर टोटली आंसर को चेंज कर दिया, उसने 5th नंबर आंसर हटाकर कौन सा आंसर कर दिया, 1 नंबर, कि टेम्परेचर ऑन अर्थ। अब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है 1 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में लिखाने में मेरे से भी गलती हो सकती है। अब आ गई बात 3rd नंबर की। अब जो 3rd नंबर वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मारकर अब ये करना है आपने, 3rd नंबर आपने करना है, यहां से लेकर यहां तक इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे
कि इसका आंसर क्या है। थर्ड नंबर देख लो, रीड कर लो अच्छे से, कर लिया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूं ऊपर लेकर, मैचिंग किसके साथ करनी है, राइट। चलो चलते हैं ऊपर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहां से लेकर, क्योंकि ये दोनों तो हो ही चुके हैं, अब इन दोनों को तो छोड़ दो, ये यहां से लेकर यहां तक इसका स्क्रीनशॉट मार लो और मुझे बताओ कि कमेंट में इस थर्ड नंबर का, सी नंबर का आंसर कौन सा है। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ए मोर यूजफुल वीडियोज़।